हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रकर्स इंडिया चैनल पे। मैं श्री यश आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। आज हम इंडिया की ऐसी फर्स्ट ट्रक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आने वाली है ट्रक। इंडिया की कंपनी टाटा सिग्ना मॉडल के साथ 2818T ऑटोमेटिक ट्रक पेश करने जा रहा है मार्केट में, जो कि एक ऑटोमेटिक ट्रक होगा। तो बिना समय गवाए हुए चलिए इस ट्रक के बारे में और जानकारी हम लेते हैं। आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुरंत आप नीचे रेड वाला बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रक के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग टाटा सिग्ना के बारे में बात कर रहे थे जो कि ऑटोमेटिक में आने वाली है। तो आजकल हम लोग ये भी साथ में देख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत सारी होने लगी। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फटाफट से, एक दिन में, दो दिन में, चार दिन में प्रोडक्ट्स हमारे पास पहुँच जाते हैं शॉपिंग करने के बाद। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ जो हैं इंडिया की, वो भी बहुत सारी तेज़ी से विकसित हो रही। इनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के डिमांड्स को पूरा करने के लिए, इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए टाटा ने 13 ट्रक्स की एक रेंज मार्केट में उतारी है, जो जिसमें कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री एक्सपो हुआ था, उसमें टाटा ने अपनी 13 गाड़ियाँ शो की थी, जो कि हाईली कंपनीज के डिमांड्स को मीट करने के लिए बनाई गई हैं, जैसे कि हब टू हब ट्रांसपोर्टेशन, हब टू स्पोक ट्रांसपोर्टेशन एंड एंड टू एंड डिलीवरी रिक्वायरमेंट। इन्हीं में से एक गाड़ी है सिग्ना 2818AMT, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आने वाली है, और ये रेडी टू यूज़ में मिलेंगी। मतलब आपने गाड़ी ख़रीदा, आप तुरंत ही इसको वर्क करने के लिए डाल दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन में अपने डाल दीजिए। इन गाड़ियों में बहुत सारे एडवांस फीचर हैं, एडवांस सेफ्टी फ़ीचर है, एडवांस सिक्योरिटी फ़ीचर है, एडवांस सर्वाइवल फ़ीचर, मतलब ड्राइवर्स के लिए भी बहुत अच्छे सारे फ़ीचर्स होंगे। इनमें से कुछ फ़ीचर्स की बात हम लोग मोटा मोटी तौर पे कर लेते हैं। जैसा एंटी फ्यूल थेफ्ट फ़ीचर, मतलब इसमें एक ऐसा फ़ीचर होगा, एक ऐसा सेंसर वगैरह होगा कि इसका फ्यूल नहीं चोरी किया जा सकता। आमतौर पर ट्रक्स खड़ी करके ड्राइवर खाना खाने जाते तो उसमें से फ्यूल चोरी कर लिया जाता है, बट इसमें ऐसे फ़ीचर्स होंगे जिससे फ्यूल नहीं चोरी किया जा सकेगा। प्लस इसमें डिजिटल लॉक भी आपको मिलेगा। डिजिटल लॉक का मतलब सेंसर लॉक वगैरह, गाड़ी सिग्ना कैबिन के साथ रहेगी, वो लॉक्ड हो जाएगी, वो की से ही खुलेगी और किसी चीज़ से नहीं खुलेगी। और इसमें दो कैमरे आपको मिलने जा रहे हैं, एक रिवर्स पार्किंग कैमरा और एक कैबिन के अंदर या कंटेनर के अंदर का कैमरा, जो दो कैमरा आपको बहुत ही हेल्प करेगा आगे आगे। आपको इसमें एक लोड सेंसर मिलता है, बाकी इस लोड सेंसर के हेल्प से आप बिना कांटे पे ले गए गाड़ी को आप लोड पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में कितना लोड है। ये लोड सेंसर गाड़ी के अंदर ही लगा रहेगा, जब मन करे आपका तब आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर कितना लोड हुआ है। और अगला जो इसका मेन हाईलाइट फीचर है, वह है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। चलिए इस गाड़ी की कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम आगे बात करते हैं वन बाय वन। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, ये ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन होता क्या है, ये असल में ऐसा ट्रांसमिशन होता है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं होता। मैं इसके बारे में अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा, तब तक के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में जान लीजिए। इस ट्रांसमिशन के साथ आने वाली ट्रक्स में कोई क्लच पैडल नहीं होगा, यानी आपके पास केवल पैर के पास दो पैडल होंगे, एक पैर आपका रेस्ट करेगा, दूसरा पैर एक एक्सीलरेटर और ब्रेक पे यूज़ होगा। और ना ही कोई टेंशन रहेगी आपको बार बार गियर चढ़ाने गियर उतारने की, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। तो चलिए दोस्तों, हम गाड़ी के बारे में और जान लेते हैं, गाड़ी के बारे में और जानते हैं। सबसे पहला हम आते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। ओवरव्यू का मतलब गाड़ी के फिजिकल ओवरव्यू, कितना उसमें लोड। तो इसका GVW ग्रॉस व्हीकल वेट कितना ये लोड ले सकती है, वो 28,000 kg। ठीक, और इसमें इंजन भी SCR टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। प्लस इसकी पावर 177 हॉर्स पावर की गाड़ी है, 2500 RPM पे इतनी पावर प्रोड्यूस करेगी। इसमें टॉर्क जो है मैक्सिमम 700 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा, जो कि 1300 से 1800 RPM के बीच में प्रोड्यूस होगा। ये 10 चक्के की गाड़ी एक्सल कॉन्फ़िगरेशन 6
इंटू टू का है, और व्हीकल में कैबिन भी, गाड़ी में कैबिन भी मिलेगा, चेचिस मॉडल भी आएगी आपको। प्लस इसमें तीन तरह की बॉडी मिलेगी, फिक्स्ड साइड डेक मिलेगा, हाई साइड डेक मिलेगा, प्लस आपको कंटेनर। जो गाड़ी की लेंथ होगी यहाँ पे वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है 31.2 फिट की। इसकी वारंटी टू टाइप्स में आएगी, एक 6 ईयर या 6 लाख किलोमीटर्स की वारंटी आएगी, और दूसरी आएगी 3 साल या 3 लाख किलोमीटर के साथ वारंटी आएगी। और इसका सर्विस इंटरवल भी 8,000 किलोमीटर के बाद रहेगा, जिसमें मेनली ऑयल चेंज होगा, इंजन ऑयल चेंज होगा। एडिशनल इसमें मैनुअल ड्राइव मोड और हैवी, दो तरह के ड्राइव मोड हैं, सॉरी हैवी मोड और लाइट। तो चलिए हम दोस्तों अब इस गाड़ी के इंजन और बाकी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें इंजन आपको SCR टेक्नोलॉजी वाला मिलेगा, जिसमें आपको एडब्लू डालना पड़ेगा, और प्लस इसमें 6 सिलेंडर मिलेंगे आपको। पावर इसकी 1,700 हॉर्स पावर की होगी, जो कि 2,500 RPM पर प्रोड्यूस होगी, और टॉर्क इसमें 700 न्यूटन मीटर का मिलेगा। क्लच इसमें क्लच बूस्टर के साथ आएगा, प्लस इसमें गियर बॉक्स ऑटोमेटिक है, जो कि आप सब जानते हैं, बिना क्लच पैडल का गियर बॉक्स केवल है। और गियर बॉक्स इसका जो रहेगा वो G77 था, 750 टाइप का रहेगा, और मैक्सिमम स्पीड इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की। और BS4 मॉडल का ये इंजन रहेगा, इसमें डीजल पड़ेगा फ्यूल के, और जो इसकी तेल टंकी की कैपेसिटी, फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगी वो 350 लीटर की होगी। तो चलिए हम आगे इसके और डिज़ाइन और कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। डिज़ाइन और कॉन्फ़िगरेशन में आपने जैसे कि पहले देखा, इसका ग्रॉस व्हीकल वेट 28,000 किलो का है, और व्हीकल में कैबिन भी आता है, चेसिस भी आती है, प्लस बॉडी में भी कई ऑप्शन है, फिक्स डेक, हाई डेक और कंटेनर के भी ऑप्शन है। तो जो उसका लोडिंग स्पैन, मतलब जितने एरिया में आप लोड कर सकते हैं, उसकी लंबाई होगी 31 फिट, प्लस कैबिन इसका स्लीपर टाइप का होगा, और कैबिन उठाने के लिए हाइड्रोलिक मैकेनिज्म इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। चेचिस फ्रेम इसका लैडर फ्रेम टाइप का, जैसे कि नॉर्मल चेचिस, काउल चेचिस या कोई आप चेचिस खरीदते हैं वैसा मिलता है। तो फ्रंट टायर, फ्रंट एक्सल भी इसका नॉर्मल टाटा गाड़ी जैसे ही होगा, और रियर एक्सल भी इसका नॉर्मल टाटा गाड़ी जैसे ही होगा, प्लस सस्पेंशन भी नॉर्मल गाड़ियों जैसे पीछे बेल क्रैंक टाइप का सस्पेंशन मिलेगा। टायर्स में भी इसके दो तरह के ऑप्शन आते हैं, एंटी रोल बार मिलेगा आपको फ्रंट में, प्लस इसका व्हील बेस जो होगा 6,750 mm का व्हील बेस आपको इसमें मिलेगा, और ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको यहाँ मिलने जा रहा है 240 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए हम अब इसके कुछ और फीचर्स और कंफर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो कैबिन होगा वो फुली सस्पेंड रहेगा, पूरी तरह से वो सस्पेंशन पे रहेगा, जिससे वो कि शॉक को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे ड्राइवर को कंफर्ट महसूस होगा। प्लस इसमें स्टेयरिंग, पावर स्टेयरिंग मिलने जा रहा है, स्टेयरिंग एडजस्ट इसमें दोनों टाइप का, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों टाइप का स्टेयरिंग एडजस्ट आपको मिलने जा रहा है। ड्राइवर सीट 6-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको यहाँ मिलने जा रही है, प्लस इसमें AC रहेगा, AC इसमें रहेगा, प्लस पावर विंडो नहीं मिलेगी आपको, म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलेगा, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट इसमें मिलने वाला है, बॉटल होल्डर आपको यहाँ मिलने जा रहा है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कि इसकी सबसे बड़ी बात है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने जा रही है, प्लस AMT डिस्प्ले यूनिट, जो आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहेगा उसकी डिस्प्ले यूनिट भी आपको इस गाड़ी में मिलेगी, जो बताएगी इस टाइम आपकी गाड़ी कौन से गियर में है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, और टाटा सिग्ना 2818 2818 के कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें एयर ब्रेक्स मिलेंगे विद ऑटोमेटिक स्टार्क एडजस्ट, और एग्जॉस्ट ब्रेक भी इसमें मिलने जा रहा है। ABS आपको मिलेगा, एंटी रोल बार के फ्रंट में मिलेगा, डिफरेंशियल लॉक इसमें नहीं मिलेगा, सीट बेल्ट मिलने जा रही है, रिवर्स पार्किंग बजर, यानी जब आप गाड़ी रिवर्स करेंगे तो बीप 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 की साउंड करेगी, प्लस इसमें फॉग लाइट नहीं मिल रही है, ये बहुत ख़राब बात है। अब आज के टाइम में गाड़ियों में फॉग लाइट बहुत ज़रूरी है, प्लस इसमें ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था टायर टू ऑप्शंस में आते हैं, तो एक ऑप्शन ट्यूबलेस टायर्स का भी है। एडिशनल इसमें शायद विद हिल असिस्ट फीचर आपको मिलने वाला, हिल असिस्ट फीचर मतलब हिल पे आपको ही गाड़ी असिस्ट करेगी। बस ये कुछ फीचर्स थे टाटा सिग्ना के।
2018 तो मार्केट में ये गाड़ी बहुत जल्द आ जाएगी। आप लोग इसको इजीली बाय कर सकते हैं, न्यू एक्सपीरियंस कर सकते हैं गाड़ी ऑटोमेटिक चला के बिना क्लच के, केवल एक्सेलेरेटर और ब्रेक की सहायता से, जो कि ड्राइवर्स की लाइफ को बहुत आसान बनाएगा। प्लस वो ज़्यादा दूर तक गाड़ी चला सकते हैं एक दिन में बिना थके हुए। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए। अपने हर ड्राइवर दोस्त, हर ट्रांसपोर्टर दोस्त के पास इसको शेयर करिए। प्लस प्लस जो ट्रक्स के दीवाने हैं उनको भी शेयर करिए, ताकि उनको पता चले कि इंडियन ट्रक इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो रही है और वो आगे बढ़ रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगले अगले फिर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।